तो फ्रेंड्स आज मैं बताऊंगा वीडियो एडिटिंग एक एप्लीकेशन के बारे में। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं उसे और आप देख रहे हैं टेक्नोट्रिक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए नए यूट्यूब स्टार्ट करते हैं और उनको कुछ वीडियो एडिटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि वो लोग सोचते हैं अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन होता कि मोबाइल से बहुत ही ईजिली अपने वीडियो को एडिट कर सकते। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आप बहुत ही इजीली अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एप्लीकेशन का नाम है InShot। मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाके आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते कैसे यहाँ पे एडिट करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने InShot एप्लीकेशन में। तो ये रहा मेरा InShot एप्लीकेशन, मेरा पहले से डाउनलोड किया हुआ है, आप लोग भी इसे डाउनलोड कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो, फोटो और कॉलेज। अगर आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो में क्लिक करना होगा, और फोटो एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फोटो में क्लिक करना होगा, और चार पांच फोटो लेके एक साथ कॉलेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कॉलेज वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिलहाल मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं वीडियो में क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं न्यू में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया मेरा ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए टाइमलाइन में मेरा वीडियो आ गया। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को यहाँ से ट्रिम करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वीडियो में क्लिक करना होगा और यहाँ पे ट्रिम कर, यहाँ पे आपको ट्रिम में सिलेक्ट करके आप कितने सेकंड तक यहाँ पे ट्रिम करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आगे से अगर मैं 2 सेकंड का 3 सेकंड का ट्रिम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 2 सेकंड यहाँ पे पीछे कर दूंगा, तो आप ऐसे यहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इसको नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं और एक वीडियो ऐड करके दिखाऊंगा। अगर आप किसी और एक वीडियो को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन में क्लिक करना होगा और यहाँ पे मैं और एक वीडियो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने वीडियो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा 2 वीडियो यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब पहले एक किए थे और अभी एक किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसे मतलब बैकग्राउंड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कैनवास में क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसे थोड़ा सा जूम करना चाहते तो यहाँ पे आप जूम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं पीछे कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा बैकग्राउंड अभी वाइट है तो इसे मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं अगर इसको ब्लैक करना चाहता हूँ, देखिए ब्लैक हो गया, ठीक है। आप रेड करना चाहते हो तो रेड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसे वाइट में ही रहने देता हूँ, यह सिर्फ आपको मैंने सिखाया है। और यहाँ पे तो फिर यहाँ पे उसके बाद आते हैं फिल्टर। यहाँ पे आप फिल्टर करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे फिल्टर आ जाते हैं यहाँ पे, तो फिलहाल मैं इसको नहीं करूँगा, इसको ओरिजिनल में ही रहने दूंगा। और यहाँ पे 3 वाले ऑप्शन में आ जाता है म्यूज़िक। यहाँ पे अगर आप कोई म्यूज़िक यहाँ पे डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन से यहाँ पे म्यूज़िक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ट्रैक सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे म्यूज़िक मिल जाता है, और यहाँ पे मेरा फ़ोन में जितना म्यूज़िक है यहाँ पे वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक सॉन्ग उठा लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा सॉन्ग ऐड हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब मेरा वीडियो ऑन होगा तो ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसे ऑन कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम वाले ऑप्शन में क्लिक कर, तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से इसको ओपन कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑन कर, मेरा बैकग्राउंड में एक नॉइस चल रहा है, ये वीडियो का जो मैं वीडियो अपलोड किए थे उसका एक नॉइस आ रहा है। अगर आप इसको कम करना चाहता है या इसको ज़ीरो करना चाहता है तो आपको यहाँ पे वीडियो में क्लिक करके, देखिए मैं वीडियो में क्लिक करके इसको हटा देना है, ठीक है। आपको बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रहा था ये अभी नहीं आएगा।
तो फ्रेंड्स इसे मैं अभी ऑन कर दूंगा और वीडियो में जो नॉइज़ वगैरह था वो यहाँ पे अब नहीं आएगा क्योंकि मैंने वीडियो का साउंड म्यूट कर दिया और यहाँ पे मैंने जो सॉन्ग ऐड किए थे सिर्फ उसी का साउंड यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे बहुत स्टिकर वगैरह है, यहाँ पे आप या देख के अगर कोई स्टिकर यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अगर आप फुल वीडियो में ये स्टिकर रखना चाहते तो यहाँ पे आपको इसे भी बड़ा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फुल वीडियो में मैं यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको सिखा दिया ये कैसे यहाँ पे करना है। अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते तो यहाँ पे आपको सेम तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक, ठीक है। मैंने देखिए लाइक इसका मैं अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेड हो गया, येलो हो गया, बहुत सारा कलर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं रेड कर दिया। तो इसको भी अगर आप फुल वीडियो में रखना चाहते तो यहाँ पे भी आपको ये बढ़ा देना होगा, ठीक है। देखिए आपको ऐसे बढ़ा देना है, उसके बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, उसके बाद ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं इसको नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको ये सिखा दिया है, उसके बाद मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए अब वीडियो को अगर स्पीड मोड में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्पीड मोड में क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रॉप दिया हुआ है। अगर आप वीडियो को थोड़ा क्रॉप करना चाहते तो वीडियो को आप क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा ऐसे ऐसे करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मेरा वीडियो क्रॉप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप रोटेट भी कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडिट करना बहुत ही ईजी है, यहाँ पे आपको कोई सीखने का ज़रूरत नहीं है। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तब आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कैसे यहाँ पे आपको एडिट करने हैं अपने वीडियो को। तो जल्द से जल्द इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने वीडियो को एडिट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक में क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलते हैं अगले कोई नए वीडियो में, आज के लिए इतने, थैंक यू।